हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम पहुंचे हैं मेरे एक फ्रेंड के घर पे। इसने रिसेंटली एक नया घर बनाया है जो कि काफ़ी मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ घर है, और हम अब करने वाले हैं इसके घर का एक टूर। और टूर के बाद हम डिस्कस करेंगे 10 बिग डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन हाउसेस एंड ऑस्ट्रेलियन हाउसेस के बीच में। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव। So let's get started. क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? तो ये घर है इन जनाब का, मिस्टर सुमित का। तो सुमित हमें इस घर के बारे में काफी जानकारी देने वाले हैं। तो सुमित जी, पहले तो ये बताइए कि ये घर आपका कितने लैंड पे, कितने एरिया में बना हुआ है? टोटल लैंड है 512 स्क्वायर मीटर का। ओके। और अगर इसको आप 512 को डिवाइड करें तो 16 फ्रंटेज। हाँ, डबल स्टोरी घर, डबल स्टोरी बनाया है, और पूरा ये घर बना है 50 स्क्वायर्स का। 50 स्क्वायर्स का पूरा घर बना हुआ है, ब्यूटीफुल। तो अब हम देखें इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के घरों में जो फ़र्क है। सबसे पहले तो आपको यहीं देखने को मिलेगा कि इस घरों में छतें नहीं होती हैं, जैसे इंडिया में घरों में छत होती हैं। अब ये देखिए, सारे घरों में टाइल्स होती हैं ऊपर, तो कोई छत का सिस्टम नहीं होता। और जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं कि गाड़ियाँ वगैरह अक्सर बाहर ही खड़ी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये गराज हर घर में मिलता है। देखो, इस घर के अंदर भी गराज मिल रहा है। तो हर घर में दो गाड़ी रखने के लिए, इजी और कंफर्टेबली दो गाड़ियां रखने के लिए गराज दिया जाता है। काउंसिल का दिया हुआ नेचर स्ट्रिप है, ये नेचर स्ट्रिप आप इन्हें कट करनी होती है। और ये देखिए, ये एक पेड़ भी जो है काउंसिल ने लगा के दिया हुआ है। तो इस पेड़ को आप किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय या डैमेज नहीं कर सकते। आपको 100% इंश्योर करना है कि ये पेड़ अच्छे से ग्रो हो रहा है। लॉन को बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है, ग्रास लगाई हुई है, और ये ट्री है, मैपिंग ट्री, मैपिंग ट्री है, जो कि जब बड़ा होगा तो काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला है। तो ये देखिए, आप यहाँ आने के बाद आप देखेंगे ये जो फेंसिंग जा रही है साइड में, ये सारी जो है तीनों तरफ से कवर करती हैं। ये टिम्बर की फेंसिंग होती हैं और काफ़ी हाइट में होती है। इसमें दो तरह के मीटर्स हैं क्या, कि एक पानी का? हाँ, रिसाइकल वाटर इज़ टू बी यूज्ड टू क्लीनिंग योर कार्स, टॉयलेट में यूज़ हो सकता है, एंड फॉर गिविंग वाटर टू प्लांट्स। करेक्ट। तो उससे क्या था, पानी की काफ़ी ही बचत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमें पता कैसे चलेगा कि दो मीटर है या सिर्फ एक ही मीटर? एक मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये मीटर पानी पीने वाला पानी जो है, दिस इज द नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर जो पानी पीने वाला है, कुछ है। और ये जो है, जो भी पर्पल वाला होगा, इट इज कॉल्ड रिसाइकल वाटर। दिस इज, उन्होंने पर्पल ओके ही देना है। और उनके दो कनेक्शन होंगे, एक ये फ्रंट में दिया उन्होंने, हाँ, और एक पीछे। पोस्टमैन अपना लेटर यहाँ डाल के चले जाता है। जैसे आप वहाँ देख रहे हैं कि ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का बिन्स रखा हुआ है। वो बिन सिर्फ नेचर स्ट्रिप में ही रखनी होती हैं, और काउंसिल जो है हर हफ्ते में एक बार आता है और वो बिन्स को डिस्पोज किया जाता है। और रिसाइकल वाले में और इस तरह का मिक्स करें तो आपको काउंसिल एक वार्निंग देती है। करेक्ट। कि आपने गलत उसमें यूज़ किया है। फर्स्ट वार्निंग एंड सेकंड वार्निंग, दे विल फाइन यू। करेक्ट, बिल्कुल। सो आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। जनरल वेस्ट, जनरल वेस्ट में जाएगा, रिसाइकल वाला रिसाइकल में जाएगा, और गार्डन का गार्डन में जाएगा। प्लांट्स वगैरह लगाकर खूबसूरत बनाया हुआ है। ये जो घर हैं इंडिया से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो वुडन ही होता है। आगे से इन्होंने ये जो ब्रिक जो है आगे आगे से दिया हुआ है। इसके अंदर एक्सपेंसिव पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में। ओके ओके, छोटी ब्रिक लगाना। तो ये भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और ये जो आपकी बाहर लाइट लगी हुई है, ये सेंसर लाइट है, ये सेंसर लाइट है। रात को अपने आप इसका टाइमिंग ऑन है कि आफ्टर जैसे ही सनसेट होगा, हाँ, और जब कोई रात को कोई गाड़ी आ रही है या कोई पार्क करता आके, तो अपने आप ही ये ऑन, हाँ, हो जाएगी। ओके। ड्राइववे पे आकर अगर अपने रिमोट को टच करते हैं तो सीधा ये गराज का डोर खुल जाता है। और ये देखिए, इस तरह से ये गराज जो है ऊपर सीलिंग पे जाके रुक जाता है, और एक छोटी सी लाइट है जो कि गराज का है। तो अब देखिए, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है, ये सही से इस्तेमाल करिए सारी, ये कैबिनेट्स वगैरह लगा के। हाँ जी, आजकल हर घरों में लोग सोलर पैनल लगाते हैं, तो इन्होंने फ्रोनियस का ये सोलर का इन्वर्टर लगा रखा है इन्होंने, और जिसमें इसमें पता लगता है अभी जैसे सन नीचे जा रहा है, हाँ, वैसे वैसे उसकी थोड़ी पावर वैसे होती जाएगी। ये भी एक काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है यहाँ पर। घर के अंदर इन्होंने सेंट्रलाइज एसी लगा रखा है, तो पूरे घर को ये दो यूनिट मिलकर कवर करती हैं। देखिए, काफ़ी खूबसूरत सा इन्होंने अपना पीछे का बैकयार्ड बनाया हुआ है। ये सिंथेटिक ग्रास लगा रखी है इन्होंने, ये इसको फिर आपको हर बार ग्रास काटने के लिए या मोविंग करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती।
इसे कहते हैं कि जैसे लोगों के पास होता है कि लो मेंटेनेंस गार्डन, बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है यहाँ पर, आप बैठकर आराम से एक अच्छी गैदरिंग कर सकते हैं, एक अच्छा फंक्शन किया जा सकता है, काफ़ी स्पेस है। और ये देखिए ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है और ये सारे सोलर लाइट हैं जो सूरज से चार्ज होती हैं। ये अल्फ्रेस्को है, यहाँ पर भी आप एक अपना टेबल लगा सकते हैं, इस पे अभी आप अपना आउटडोर बैठने के लिए आउटडोर फर्नीचर रख सकते हैं। हाँ। यहाँ पे बारबेक्यू सिस्टम सब कुछ फिट हो सकता है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया का एक कल्चर है बारबेक्यू कल्चर, जो कि हर घरों में होता है, तो सुमित को जब टाइम मिलेगा तो वो भी लगाएगा। और ये एक और चीज है बहुत बढ़िया किया है कि ये ब्लाइंड है सारे, ये अंदर है इसका स्विच है, आपको दिखाऊंगा बाद में, ये नीचे चले जाते हैं। अंदर का भी आपको व्यू दिखाते हैं, देखिए काफ़ी खूबसूरत सा एंट्रेंस है, रोशनी आने के लिए इन्होंने कांच के कटआउट दे रखे हैं और गमला भी लगा रखा है यहाँ पर। ये लॉक जो है ये आप मोबाइल से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, कोड लगता है, तो इसमें कोई ताला या चाबी वाला हिसाब नहीं है। अगर इसने कितना खूबसूरत से मेंटेन रखा हुआ है, एक अच्छा सा कारपेट लगा रखा है बिल्कुल राउंड शेप में। और अब हम धीरे से इसको ऊपर की तरफ भी दिखाते हैं, देखिए ये वॉइड जो है ये हर घरों में कॉमन नहीं है। नहीं, कॉमन नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, आप कई डबल स्टोरीज जितने भी जाओगे हाँ। आपको कॉमन नहीं मिलेगा। तो देखिए ये खूबसूरत एक शैंडलियर लगा रखा है इन्होंने जो कि ऊपर हैंग हो रहा है, ब्यूटीफुल। इससे क्या होता है वॉइड क्यों रखे है, क्योंकि आपका कनेक्शन रहता है ऊपर नीचे का, ऊपर नीचे का कनेक्शन अच्छा बना रहता है, करेक्ट। तो अब मैं अंदर, इनके राइट हैंड साइड में इनका लिविंग एरिया है, तो उसको दिखाने से पहले मैं आपको साइड में भी दिखा देता हूँ कि काफ़ी इन्होंने अच्छी चीज़ें से इसको डेकोरेट किया हुआ है। फर्स्ट लिविंग रूम है ये इनका फर्स्ट लिविंग रूम है। देखिए लिविंग रूम के अंदर इन्होंने कारपेट दे रखी है, और ये शायद इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं चलता है, वॉल टू वॉल कारपेट, वॉल टू वॉल कारपेट, क्योंकि मेलबर्न के वेदर के कारण। देखिए ये जो कारपेट भी है काफ़ी स्पॉन्जी है और बहुत ही कम्फर्ट फील करा रहा है मुझे, विच इज़ गुड। जब आप अंदर जाते हैं तो पहले आपको एक पाउडर रूम भी मिलता है, ये पाउडर रूम है, यहाँ पर आप देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है। ये देखिए एक बहुत ही बड़ा सा गमला रखा हुआ है, ये पेरेंट्स रूम है, ये ये एक बेडरूम है इनके राइट हैंड साइड में, जो अभी इनके फादर सो रहे हैं, तो उसके अंदर भी इंस्टीट्यूट टॉयलेट बाथरूम है। देखिए अब यहाँ से जब हम अंदर जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ही इनका लॉन्ड्री एरिया आ जाता है, इसको भी बहुत ही वेल मैनेज रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पर वॉशिंग मशीन है और सिंक दे रखा है, और इसी के ऊपर इन्होंने एक, अगर आपको कपड़े वगैरह आयन करने हैं तो ये आयन भी यहाँ पे रखा हुआ है, और जब आपको कपड़े टांगने हों तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने होल्डर्स भी दे रखे हैं ताकि आप यहाँ हैंग कर सकते हैं। अंदर भी काफ़ी जगह है जो आप अपनी लॉन्ड्री रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको रखनी है इसके अंदर आप रख सकते हैं। और ये जो इस घर का सबसे बड़ा हार्ट है जो पूरा इस घर को चलाता है, ये हर घरों में तो नहीं होते हैं लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। भगवान जी का आशीर्वाद लेके आप दिन के काम पे निकलें, सब कुछ शुभ शुभ ही होगा। तो अब हम हॉलवे से होते हुए आ गए हैं इनके डाइनिंग एरिया में, तो ये जो है डाइनिंग एरिया है इनका, इन इसमें अभी एक वॉइड है जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में वॉइड था और एक सेकेंड वॉइड ये है। ओके, तो ये एक और वॉइड यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप, विच इज़ अमेजिंग। तो जो ग्राउंड, जो डाउन फ्लोर पे हैं उनके लिए कनेक्टिविटी हमेशा 100% बनी रहती है, हैंडलर भी ऊपर लगा हुआ है, वेरी नाइस। अब आप एक और चीज़ नोटिस करें, मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ये जो इतने बड़े बड़े कर्टन्स लगे हुए हैं, ये इतनी ऊँचे तक कर्टन्स लगे हुए हैं, इसको कैसे हम ऑपरेट करें, तो इसका भी सुमित के पास एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक है, देखिए यहाँ पर इसका कंट्रोल है, जैसे उसने उस कंट्रोल को दबाया कर्टन अपने आप दोनों साइड में जा रहा है, लेफ्ट एंड राइट साइड में स्लाइड हो रहा है। इसके अलावा अभी एक और चीज़ होने वाली है जो कि और मैजिक, ब्लाइंड्स अगर करनी है तो अब देखिए ये एक और मैजिक है, ये अगर आपको ब्लाइंड्स नीचे करनी है तो भी इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने रिमोट से, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी ब्लाइंड करनी है। अभी मैंने सारी ब्लाइंड नीचे करी है, करेक्ट, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ओके, तो हर एक इंडिविजुअली भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक चीज़ और दिखा रही थी जो मैंने आपको बाहर दिखाई अल्फ्रेस्को में पहले 5 मिनट पहले जब हम बात कर रहे थे, ये है इसका रिमोट, ओके, और ये आप नॉइस, ये देखिए अल्फ्रेस्को में ये भी ब्लाइंड्स भी आती हैं जो कि आपको बिल्कुल एक इनक्लोज रूम की तरह आपको फील होगा। और मज़ेदार बात यह है कि अब आप धूप से, हवा से, बारिश से हर तरीके से इवन ठंड से भी 95% ठंड भी बचाती है ये। ब्यूटीफुल,
बहुत ही अमेजिंग चीज है और यहाँ पर आप बैठ के आराम से गार्डन का भी मजा ले सकते हैं। हाँ जी। है ना, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। हाँ जी। और यहाँ पर भी सारी डाउनलाइट लगा रखी है, सारी डाउनलाइट लगाएंगे। तो किचन के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुमित, ये जो किचन है आपका, इसके हाँ बारे में कुछ बताएं। इस 60 मिल स्टोन हुआ है और इसे हम वाटरफॉल स्टोन कहते हैं, जैसे ये फॉल कर रहा है जैसे पूरा, अगर आप देखें तो दोनों तरफ और एक फ्रंट में, अगर आप इसको दिखा। हमारे इंडिया से काफ़ी अनकॉमन है क्योंकि ये एक यहाँ का जो सिस्टम है वो ओपन किचन बोलते हैं इसको, ताकि ये आप देखिए ये सामने ये सेकंड लिविंग रूम आ गया, जैसे हम कहे थे लिविंग एरिया पहला। ये दिस इज द सेकंड लिविंग एरिया, वो ही एक फीचर है जो पीछे शीशे के पीछे हमने। करेक्ट। तो ये देखिए, इन्होंने एक बड़ा सा टीवी यहाँ लगा रखा है, यहाँ पर आप बैठ कर इंटरटेन हो सकते हैं। साथ ही साथ में देखिए किचन में जो काम कर रहा है, इसको बोलते हैं कि ओपन किचन सिस्टम होता है, यहाँ पर किसी भी तरह के इनक्लोज्ड वॉल्स नहीं होते। देखिए ये जो सिंक है, इसके अंदर भी काफ़ी खूबसूरत चीज़ें दी गई हैं। ये जो अगर जैसे किसी अटैचमेंट है, इसको आप नीचे तक खींच सकते हैं और पूरे सिंक को क्लीन कर सकते हैं। और ये जो पानी आ रहा है इसके अंदर, ये आप सीधा ग्लास में भर के पी सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने एक फीचर बताया है, अगर आप इसको दबा देते हैं तो ये इस तरह से कोई मेन चीज़ स्क्रब करनी होगी, हाँ, तो उसके प्रेशर के लिए ज़्यादा। ब्यूटीफुल, नाइस नाइस। तो देखिए ये आप दो सिंक दिए जाते हैं यहाँ पर, एक बर्तन धोने के लिए और एक को सोक करने के लिए, उसके बाद में आप यहाँ ड्राई कर सकते हैं। ये बटलर्स किचन इसे कहते हैं, हाँ, कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे शो के लिए okay. क्योंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा रिवाज हुआ है जब आप घर बना रहे हैं, और ये है आपकी बटलर्स किचन आ गई। okay. इस बटलर्स किचन के अंदर ये है कि क्योंकि जैसे हमारे इंडियन फूड होता है मसाले ये वो, तो इसलिए यहाँ पे कुकिंग मेन कुकिंग यहाँ होती है। बर्तन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पे भी बर्तन धो सकते हैं और यहाँ पे भी सिंक लगाया बर्तन धोने के लिए। यहाँ पर इन्होंने अपना फ्रिज को फिट कर दिया है, तो ये फ्रिज यहाँ पर फिट हो गया और ऊपर सारा इनका कैबिनेट, सारी कैबिनेटरीज हैं सब। सुमित के घर पे मेन कुकिंग जो है इस एरिया में होती है। इस एरिया को इन्होंने फ्री छोड़ा हुआ है, लेकिन ये भी एक और आपको चाहिए तो यूज कर सकते हैं। देखिए रेंज हुड भी लगा हुआ है, आपको मैं चला के दिखा देता हूँ। विद प्रेशर है, कौन सा प्रेशर आपने यूज़ करना है, स्मॉल मीडियम एंड वेरी हाई। ओके। एंड उसके बाद लाइट्स हैं, हाँ, उसके करने के लिए। तो ये जो आपकी एग्जॉस्ट यूज हो रही है, इसका धुआं सारा कहाँ जा रहा है? ये बिल्कुल बाहर को जा रहा है क्योंकि डबल स्टोरी है, तो उसके कारण जो एग्जॉस्ट है सब टॉप अटक नहीं जा सकता। हाँ। पर सारे बर्तन जो हैं वो डिश वॉशर में धुलते हैं। हाँ जी। तो अभी आपको देखिए यहाँ पे कोई डिश वॉशर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अभी देखिए क्या एक मैजिक होने वाला है। ये देखिए ये एक इंटीग्रेटेड वॉशर के अंदर बर्तन धुलने के अलावा ड्राई होकर भी मिल जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। काफी लाइट जो है ये किचन के बेंच टॉप पे अभी डाल रही है, विच इज रियली गुड। और अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखा दूं, यहाँ पर इनके पास में दो ओवन्स हैं। अगर कोई पार्टीज हैं या कुछ करना है और बारबेक्यू चिकन ये कुछ आपको करना है तो दो में बना सकते हो, यूजली हर घर में एक ही आता है। एक ही आता है। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि किसी भी जो आपके कैबिनेट्स हैं इसमें कहीं भी कोई हैंडल्स नहीं है। नहीं हैंडल्स, इसमें सिर्फ ये पुश, तो आप पुश करें, पुश करें और आपका सामान हो जाएगा। काफी डेप्थ है उसके उसके। हाँ जी हाँ जी, देखिए डेप्थ काफी है, सॉरी, आप काफी सामान रख सकते हैं। हाँ जी, पर आपको पूरा बंद नहीं करने की जरूरत, आपको सिर्फ हल्का सा इसको वो टच करना है, इट विल गो बाय इटसेल्फ। तो जैसे वेरी गुड। देखिए इन्होंने बहुत बड़ा सा एक कारपेट डाल रखा है इस लिविंग एरिया में, और एक शानदार सा सेंटर टेबल रखा हुआ है, विच इज अ वेरी गुड सिटिंग एरिया। मैं रात को काम से आता हूँ या कोई बच्चा नीचे आ रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसको लाइट्स ऑन करने की जरूरत नहीं है, इट ऑटोमेटिकली गेट्स ऑन। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और टीवी लगा रखी है, और ये एक और सिटिंग एरिया हो गया, और ये सारी ऊपर जो लगी हुई हैं, ये जो आप वेंट्स देख रहे हैं ये हीटिंग या कूलिंग के लिए ऑपरेट होती हैं। ये सारी सेंट्रली एयर कंडीशन है। हाँ, ये सारे सेंट्रली एयर कंडीशन है, और सारे डाउन लाइट्स लगी हुई हैं। और ये जो एरिया देख रहे हैं ये सुमित का फेवरेट एरिया है, है? तो ये इन्होंने एक छोटा सा मिनी बार बना रखा है, देखिए कितना खूबसूरत है, सारी तरीके की ड्रिंक्स रखी हुई है इन्होंने। और ये आराम से तीन लोग यहाँ बैठकर गप्पे लगा सकते हैं और अपने ड्रिंक्स ले सकते हैं, और उसके बाद में वहाँ बैठकर छोड़े हो सकते हैं और अपनी टीवी देख सकते हैं। तो इट्स अ वेरी लैविश एरिया। एंड इधर वो वाओ, देखिए तो ये इन्होंने अपना बार के अंदर एक फ्रीजर भी लगा रखा है, और ये इनका देखिए ग्लासेस का स्टॉक, ग्लासेस का दुनिया भर के ग्लासेस और डिकेंटर्स और
बाप रे बाप, सब चीजें रखी हुई यहाँ पे इन्होंने। ये बॉम वाइट रखा है इसको थोड़ा अलग रखने के लिए। ओह यस, डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए। अगर आप इसको बंद कर दें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक कर देता है। करेक्ट करेक्ट, एक माहौल बन जाता है, माहौल सा बन जाता है। और LEDs है तो इसका लुक ही अलग कर दिया है। शैंडलियर लटक रहा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार। और एक और अच्छा सा गमला रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ये टॉप फ्लोर पूरा का पूरा जो है इन्होंने कारपेट कर रखा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गेस्ट रूम में भी इन्होंने एक अच्छा खासा बेड लगा रखा है। और ये देखिए, ये स्लाइड वार्डरोब्स हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर सारा सामान जो है आप रख सकते हैं। विंडो भी है यहाँ पर, जैसे आपको बाहर का सारा एरिया नजर आ रहा है। हर रूम में इंसूट है। ओके नाइस, देखिए आपको कहा था कि वॉल टू वॉल टाइल्स हैं हर बाथरूम। देखिए ये सारे के काफी लैविश बाथरूम है, ये आपका काफी लैविश इंसूट है। देखिए इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में जो फर्क है, यहाँ पर क्यूबिकल्स आते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपको बाल्टी या मग वगैरह की जरूरत नहीं होती, हॉट एंड वाटर बाय डिफॉल्ट है। हाँ जी, तो इंडिया में तो शायद टॉयलेट और बाथरूम अभी तो शायद साथ आने लग गए, लेकिन पहले अलग अलग सेपरेट हुआ करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बच्चों का रूम है ये? हाँ, मेरी सबसे छोटी बेटी का रूम है, वॉक इन रोब है। ओके, और ये अच्छा, ये वॉक इन वार्डरोब है इनका। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इन सूट है। क्या हुआ है कि हमने दोनों बच्चों का, वो मेरी बड़ी बेटी का रूम है, हमने एक ही ज्वाइंट करा दिया है। ओके ओके ओके, आपको ये रूम भी दिखा देते हैं। देखो ये भी फ्रंट रूम है, ये इनके बच्चों का रूम है। देखिए बहुत पढ़ाकू लगती है, बहुत सारी बुक्स रखी है इन्होंने, काफी बहुत ही नीट एंड क्लीन रखे हुए आपने सारे कमरे। थैंक यू, विच इज नाइस। अच्छा, इसमें आपने थोड़ा सा वॉल पे कलर थोड़ा डिफरेंट दिया शायद है। हाँ, ये और आपने उस वाले का भी देखा होगा। हाँ, सामने उसका हाँ, हल्का सा पिंक है, लाइटिश पिंक। अच्छा, ये और उनका वो पसंद है। ये बड़ी लड़की मेरी ब्यूटीफुल, और इसमें भी आप देखिए वॉक इन वार्डरोब दिया एग्जैक्टली जो पहले वाला सेम सिमिलर। तो चलिए अब हम चलते हैं सुमित के मास्टर बेडरूम में, और जाने से पहले ही आप अपने आप को देखते हुए जाते हैं। देखिए नाइस नाइस, ये थोड़ा लेगो, मेरी बड़ी बेटी शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन लेगोस, बना के उसको, और ये उनके मेडल्स। तो चलिए अब हम चलते हैं इनके मास्टर बेडरूम पे। ब्यूटीफुल, व्हाट अ बेडरूम। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफी स्पेस है आपके बेडरूम में, आपकी शादी की फोटो हो, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल फोटो। एक डे बेड है, इस पे आप सुबह बैठकर एक चाय की प्याली के साथ में अपने गार्डन का व्यू लेते हुए आराम से बैठ सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। बहुत ही शानदार ये कॉन्सेप्ट है, वुडन की जो आर्ट वर्क है, वुडन वर्क है, और जो डाउन लाइट्स लगी हुई हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ये देखिए इनका एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर इन्होंने कुछ फोटोज रखी हुई है, विच इज़ लुकिंग नाइस। देखिए शैंडलियर जो है कितना खूबसूरत लग रहा है जब आप इनके वॉकिंग वार्डरोब में जाते हैं। और यहाँ आने के बाद में शायद लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर भाभी जी, हाँ जी, एंड राइट हैंड साइड इज फॉर सुमित। सुमित, तो देखिए यहाँ पर दोनों का पार्टीशन हो रखा है, और कॉमन इनके लिए यहाँ पर मिरर है, विच इज अमेजिंग। मजा आ गया सुमित जी आपके घर देख के। थैंक यू। देखिए जब आप यहाँ से बेड से उठ के अगर आपने चाय पी ली हो, आराम से बाहर के नज़ारे देख लिए हों, तो अब आप आराम से चल के जा सकते हैं अपने बाथरूम में। देखिए कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, ब्यूटीफुल। नीचे भी टाइल्स हैं, और तो आप देख सकते हैं कि ये जो इनके टाइल्स लगे हैं एकदम सीलिंग तक जा रहे हैं यहाँ पर भी, और दो बड़े बड़े मिरर्स दे रखे हैं, और दो वॉश बेसिन दे रखे हैं, और इतनी बड़ी स्टोरेज एरिया है यहाँ पर, विच इज़ अमेजिंग। स्टैंडिंग बाथ है जो कि वॉल पर बिल्कुल भी नहीं सटा हुआ है, और एकदम सेपरेट है, और ये पार्टीशन दे रखा है, और ये इनका शावर एरिया हो गया, जहाँ पर देखिए तीन शावर हेड दे रखे हैं, एक बड़ा है, एक मीडियम है, और एक हैंड हेल्ड है, और बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी स्पेशियस एरिया है यहाँ पर। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ये जो डिफरेंसेस मैंने शेयर करी है आपके साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के घरों के बीच में। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।